आईपीएल 2024 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कमाल कर दिया। आरसीबी ने चेन्नई को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस करो या मरो मैच में बेंगलुरु ने पहले खेलने के बाद 218 रन बोर्ड पर लगाए थे। ऐसे में आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को जीत के साथ साथ चेन्नई को 201 रन बनाने से रोकना भी था, क्योंकि जीत तो मिल जाती, पॉइंट्स भी मिल जाते, लेकिन नेट रन रेट बेहतर करने के लिए आरसीबी को इतने मार्जिन से जीतना जरूरी था। हालांकि बेंगलुरु के गेंदबाजों ने 5 बार की चैंपियन को 191 रनों पर रोक दिया। और अब इस धमाकेदार जीत के बाद दिनेश कार्तिक का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने धोनी के छक्के को बेंगलुरु की जीत का श्रेय दिया। दिनेश कार्तिक ने कहा, आज सबसे अच्छी बात यह हुई कि एमएस धोनी ने गेंद को मैदान के बाहर मारा, फिर हमें एक नई गेंद मिली और गेंदबाजी करना भी बेहतर हो गया। अब कार्तिक ने ऐसा क्यों कहा, आइए हम आपको समझाते हैं। कहीं ना कहीं धोनी का विशालकाय छक्का लगाना आरसीबी के लिए वरदान साबित हुआ। दरअसल बारिश और नमी की वजह से मैदान काफी गीला था, ऐसे में गेंद भी गीली हो गई थी और गेंदबाजों के हाथ से बॉल छूट भी रही थी। यही वजह रही कि लॉकी फर्ग्यूसन और यश दयाल अपने मन मुताबिक गेंद का टप्पा नहीं डाल पा रहे थे। ऐसे में जब आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई को 6 गेंदों में 17 रन बनाने से रोकने थे, तो आखिरी ओवर में यश दयाल की पहली गेंद को, जो कि फुल टॉस गेंद थी, धोनी ने उसे स्टेडियम से बाहर पहुंचा दिया। फिर इस छक्के के बाद बेंगलुरु को दूसरी गेंद मिली जो बिल्कुल भी गीली नहीं थी। फिर क्या, इसी का फायदा उठाते हुए यश दयाल ने अपनी स्लोअर गेंदबाजी का कमाल दिखाया और फिर पहले धोनी को आउट किया और फिर शार्दुल को 1 गेंद डॉट कराई और अंत में जडेजा को 2 गेंद डॉट कराकर अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और यही वजह रही कि जो दिनेश कार्तिक को बोलते हुए सुना जा रहा है कि एमएस धोनी के उस छक्के ने आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और अब इस पर सोशल मीडिया पर फैंस लगातार मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए इस पर आपका क्या मानना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।